माय गॉड, अभी एक छोटी सी जानवर दिख रहा है। मैं अभी कैमरा आपको कैमरा को थोड़ा जूम करता हूँ और दिखाता हूँ। वो छोटी ही जानवर है लेकिन बहुत ही डेंजरस हो सकता है किसी अकेले इंसान के लिए, क्योंकि देखिए वो निकला अभी। क्या है कि मैं आपको जैसे बताया नाइट को, आइए जूम करके दिखाते हैं आखिर क्या। ओहो, ये है खजूर, देख सकते हैं, और काफ़ी हाइट पे है क्योंकि वो जूम करके दिखाया है, इसके वजह से लग रहा है कि नज़दीक है। तो क्या है, जब हम एक ऐसे जंगल में पहुँचे हैं तो जंगल तो वैसे बड़े जानवर यहाँ ज़्यादा कदा ही देखने को मिलते हैं। वैसे तो माना जाए तो इस जंगल में बड़े जानवरों की बहुत कम ही आने की संभावना रहती है, लेकिन वह बहुत ही बड़ी बात है कि इस जंगल में कुछ ऐसी विषैली चींटियाँ हैं जो मानो अगर 100 चींटियाँ एक साथ आपको काट ले तो जाने भी जा सकती है। तो आइए आपको ले चलते हैं इन जंगलों के अंदर और दिखाएंगे, छोटी छोटी जानवर ही सही लेकिन कितनी बड़ी खतरनाक है वो जानवर। तो आइए हम आपको दिखाएंगे इस जंगल की तस्वीरें और नज़ारा, तो बने रहिएगा आप हमारे वीडियो के साथ। और अभी आपको लेकर चलते हैं इन जंगलों के नॉर्थ पोल। तो अभी तो चलते हैं क्योंकि तो मैंने जिस तरह से आपको बताया कि हमें निकलनी है नॉर्थ पोल की तरफ, यानी नॉर्थ की तरफ, तो अभी हम पहुंच चुके हैं उस ये जो जंगल है, ये बड़ी सी जंगल इनकी नॉर्थ साइड में। और अभी आपको ले कर चलते हैं इन जंगलों के जो ये जो घनी जंगल है इनको अंदर ले कर चलेंगे और वहाँ पर दिखाएँगे आपको उन छोटी बड़ी जानवर। यहाँ वैसे तो कुछ ऐसे जानवर है जो बड़े आकार के भी जानवर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो बने रहे आप हमारे वीडियो। ओह माय गॉड, अभी एक छोटी सी जानवर दिख रहा है। मैं अभी कैमरा आपको ऑन कर सॉरी मैं कैमरा को थोड़ा जूम करता हूँ और दिखाता हूँ। वो छोटी ही जानवर है लेकिन बहुत ही डेंजरस हो सकता है किसी अकेले इंसान के लिए। तो आइए दिखाते हैं पहले उन जानवरों को और ले कर चलेंगे इसके और भी अंदर। और देख सकते हैं यहाँ पे ये जानवर ऐसे देख रहा है जैसे मानो ओ माय गॉड, छोटी ही जानवर सही लेकिन अकेला इंसान को ये कुछ भी कर सकता है, देख सकते हैं। ओ माय गॉड, काफ़ी खतरनाक भेड़िया है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में, और ये भाग भी नहीं रहा सामने से, देख सकते हैं आप, क्योंकि देखिए वो निकला अभी। तो इस तरह की बहुत ही छोटी बड़ी जानवरें हैं इन जंगलों में, तो अभी आप बने रहें हमारे वीडियो के साथ और अभी और भीतर लेके चलते हैं इन जंगलों के अंदर, तो बने रहें आप हमारे वीडियो के साथ। तो आखिरकार हम पहुँच ही गए जिस जगहों पे हमें जाना था, तो वहाँ आ गए हैं। और मेरे पीछे देख सकते हैं एक बहुत बड़ी यहाँ पे खाई दिख रही है, लेकिन अभी क्या है इन खाई में ये जो गड्ढा है इतनी बहुत ही बड़ी गड्ढा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी उसमें पानी नहीं है। लेकिन क्या है कि वैसे तो बिहार में गर्मी काफ़ी अधिक है, यहाँ का अभी टेम्परेचर जो बोला जाए तो यहाँ भी यहाँ का जो तापमान है अभी 48 के आसपास है, 48 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे अभी है वर्तमान में। लेकिन बीती रात को यहाँ पर बारिश हुई थी तो थोड़ी बहुत राहत मिली है बिहार के लोगों को गर्मी से, तो अभी लेकिन फिर भी उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए एक नॉर्मल, तो उतनी अभी भी नहीं है। तो इसके वजह से इन गड्ढा में भी पानी नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं और आगे इन जंगल की तरफ।
और आखिरकार हम वहाँ पहुँच गए जहाँ हमें ज़रूरत थी। देख सकते हैं इतनी बड़ी जंगल में मुझे यहाँ थोड़ी सी पानी मिली है, और पीछे देख सकते हैं कितनी घनी जंगल है, और मैं काफ़ी नीचे उतर चुका हूँ। देख सकते हैं कितनी, अभी मैं वहाँ से अभी इस नीचे की तरफ आया हूँ खाई में, देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी ऊँचाई पर है फॉरेस्ट ये जो जंगल है, और इतना नीचे आया फिर भी पानी की जो वो बोलते हैं मात्रा है काफ़ी नीचे, पानी की जो लेयरिंग है काफ़ी नीचे है पानी के लेयर, तो आखिरकार मुझे मिल ही गई पानी। देख सकते हैं यहाँ पे मैं अभी आया था, और अभी यहाँ से चलेंगे उस ऊंचाई पे जहाँ से अभी हम आए हुए थे, और उसी रास्ते निकलेंगे और आगे जंगल की तरफ। मैं इन जंगल से निकलने ही वाला था कि मुझे यहाँ पे दिख गई कुछ, देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर की जो दिख रही होगी ये एक फल है, और वैसे तो मुझे भूख भी लगी थी, लेकिन क्या है कि मैं आपको जैसे बताया नाइट को यहाँ बारिश होने की वजह से यहाँ की जो खेतें हैं गीली हो चुकी है, नहीं तो ये जो कंक मिट्टियाँ हैं इनसे मैं उन फलों को तोड़ पाता, लेकिन क्या है कि मिट्टी काफ़ी गीली हो चुकी है जिसके वजह से ये टूट भी नहीं सकता। तो आइए चूम करके दिखाते हैं आखिर क्या। ओहो, ये है खजूर, देख सकते हैं, और काफ़ी हाइट पे है क्योंकि मैंने इसको जूम करके दिखाया है, इसके वजह से लग रहा है कि नज़दीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं काफ़ी हाइट पे है, तो मैं इसको नहीं तोड़ सकता। तो हम आपको बता दें कि साउथ से मुझे नॉर्थ जाने में तकरीबन 2 घंटा 25 मिनट का समय लगा है, और मैं फ़िलहाल वापस आ चुका हूँ फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो अभी मैं निकल चुका हूँ इन जंगलों से। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसी तरह का वीडियो, यदि आपको भी जंगल से पशु पक्षियों से प्यार है, तो आप हमारे इन वीडियो को देख सकते हैं, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।